नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल, कल के सेशन की बात करें तो कल कॉटन काफी फ्लैटिश नोट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया और साथ में हमने देखा कपास के अंदर भी मार्केट फ्लैटिश टोन के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा। दिन के सेशन में मार्केट 2400 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहा था, बट 2360 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो प्राइस तोड़ नहीं पा रहा था, जिसके चलते हमने देखा एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल से भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में हमने देखा यूएस कॉटन फिर से तेजी के साथ, आधे परसेंट की तेजी के साथ करीबन 81 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 81 सेंट का सपोर्ट ले चुका है मार्केट, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अपसाइड में 83-83.50 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं हमने डीजे कॉटन को भी देखा है, वहां पे भी मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव बनते जा रहा है। और चाइना में खास करके अगर हम देखें तो कॉटन यान में तेजी बनी हुई है। जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना धीरे धीरे इम्पोर्ट को बूस्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक होल्डिंग वाली सिचुएशन बनते जा रही है। ग्लोबल मार्केट में कॉटन के भाव की तेजी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट को भी सपोर्ट मिलता जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे इंक्वायरीज भी बढ़ना चालू हो चुकी है। जिस ढंग से हमने देखा पाकिस्तान से इंपोर्ट की अटकलें तेज होते जा रही है, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने कल कंसोलिडेशन देखा था, बट प्राइसेस अभी भी 2400 के नीचे है। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से हमने पूरे ही ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर 2400-2420, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे। आज अगर हम ये लेवल ब्रिज कर जाते हैं तो 2440-2450 तक का लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें ECC जो इंपोर्ट अलाउ कर रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट इन ऑल सप्लाई कंसर्न कॉटन सीड ऑयल को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगी। वहीं आइस कॉटन की अगर बात करें तो अब प्राइजेस बड़ी मंदी के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइजेस 3 मार्च से मंदी में चल रहा था, जो 90 सेंट से हमने ऑलमोस्ट 77.50 सेंट तक का लेवल आते हुए देखा था। अब कहीं ना कहीं प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के बाहर जाने के लिए तैयार है। अगर 81 सेंट का भाव तोड़कर होल्ड कर जाता है वीकली बेस पे, तो हम एटलीस्ट 85-80 तक का भी लेवल देख पाएंगे, जो 200 डे मूविंग एवरेज। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ध्यान से काम कीजिए, ट्रेड पॉजिटिव लेके ही काम कीजिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो प्राइजेस ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हुआ दिख रहा है। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और जिस ढंग से तेल के काउंटर में तेजी आई है, हमें लगता है कि अगर प्राइजेस 2400-2420 का लेवल अगर तोड़ देता है तो हम 2440 का इंपॉर्टेंट पहला लेवल है और उसके ऊपर 2500 तक का भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में बनते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।